भारत रत्न नानाजी देशमुख की 11वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने भाजपा के कई दिग्गज नेता चित्रकूट पहुंचे। इस दौरान नानाजी देशमुख के द्वारा स्थापित चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चित्रकूट के उद्यमिता विद्यापीठ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भारत रत्न नानाजी देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान ग्रामोदय विश्वविद्यालय में नानाजी की प्रतिमा के अनावरण और चित्रकूट के नवीन तहसील भवन का लोकार्पण किया गया। विद्यापीठ में आयोजित किए गए श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में जहाँ वर्चुअल रूप से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही भैया जी जोशी और अन्य वक्ताओं ने जुड़कर नानाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सहित कई मंत्री और विधायकों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने चित्रकूट से सिरसा वन में बनवाए गए नवीन तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण भी किया। दो तरह से आया जाता है, एक तो जहाँ पर विविधता पड़ती है वो आवत ही देश, वो हमारे ऊपर विपत्ति नहीं है, वो विपत्ति जो भी नहीं है सब कुछ मिला है, इसलिए भगवान राम को स्मरण करने आए हैं और नाना जी को स्मरण। देखिए आज जो क्षमता आज प्रधानमंत्री जी में है, नरेंद्र मोदी जी में, हमारे नौजवान लोग भी इस बात को हाथ देते हैं कि वास्तव में नए नए इनिशिएटिव्स और नए तरीके का प्रयोग आज इस समय भी मोदी जी देश के लिए, देश के हित में, देश की जनता के हित में कर रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा प्रकल्प है। श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुई पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि चित्रकूट का समग्र विकास करते हुए राम वन पथ गमन मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे कि अयोध्या से आने वाले पर्यटक सीधे चित्रकूट आकर घूम सके। अब थोड़ा तो भरोसा आपको और करना ही पड़ेगा, कोरोना का एक साल गया है तो कम से कम एक साल और दीजिए और निश्चित रूप से व्यवहारिक धरातल पर आपको राम वन गमन पथ दिखाई देगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।